यमराज ने आत्मा निकालने के लिए हाथ अपना रस्सी पासा फेंका। रुकिए महाराज, महाराज रुकिए। ऐसा पहली बार हुआ, यमराज को कोई देख नहीं सकता, और जो देख ले तो बांध के गिर ले घर में यमराज ने। ऐसा पहली बार हुआ, बेटी तूने ग्यारस माता के व्रत करे जो मुक्ति की दाता देवी है, इस कारण के महत्व से आपने मेरे दर्शन कर लिए। बेटी ये लड़का तुम्हारा क्या लगता है? ये मेरे पति है महाराज। ओए होए लाडो, ये तो मर लिया। नहीं महाराज, इसकी गिनती के सांस पूरे हो लिए। नहीं महाराज, ऐसा मत कहिए महाराज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ महाराज। अभी तो हमारी शादी के पूरे एक वर्ष हुए महाराज, और अभी से आप मेरे पति के प्राण निकाल रहे हैं, ऐसा मत करिए महाराज। ये सब सांसारिक मोहमाया है, एक साल ब्याह को या दो साल हुआ, अरे कहीं तरह से भी मर जाए, जब ब्याह भी नहीं होता जब भी मर जा है। और हाथ जोड़े थे, अगर यमराज मान जा तो धरती पे मानस मानस दिखेंगे, ये प्रकृति के नियम है। इस लड़के के मृत शरीर से तू अलग हट। नहीं महाराज, क्योंकि जब तक तू इसके मृत शरीर के पास बैठी है मैं तेरे नजदीक नहीं आ सकता, तेरे सत की अग्नि मुझे भस्म कर सकती है। लाडो अलग हट। नहीं महाराज, नहीं, तेरा फर्ज ध्यान कर, क्या फर्ज है तेरा, अलग हटना होगा। नहीं महाराज, मैं अपने पति से दूर नहीं होंगी। सावित्री उल्टी हट जा। नहीं महाराज, क्यों क्यों, क्योंकि बिना पति के धर्म में राज नहीं, मन बुद्धि कट जा। बिना पति के धर्म में राज नहीं, हो जो करे सब जीव कट जा। तेरा फर्ज हुआ पूरा सावित्री उल्टी हट जा। बिना पति के धर्म में राज मेरी, हिर जो कर जुगी कट जा। बिना पति के धर्म में राज मेरी, हिर जो कर जुगी कट जा। युवा सरपंच दीपक 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, धन्यवाद। 200 रुपए पहले, 100 रुपए और श्रीमती सावित्री देवी वाइफ ऑफ श्री ओम प्रकाश मिस्त्री साहब, जी हाँ, 200 रुपए पहले, 100 रुपए से और रागनी का मान सम्मान करते हैं, धन्यवाद। सावित्री जी, देख अगर तू इसके शरीर से अलग हटती है तो मैं तुझे बहुत कुछ दे सकता हूँ। अगर तुझे मुझसे कुछ चाहिए तो मांग सकती है, बोल क्या चाहिए तुझे? आप मेरे पति के प्राण दे दो महाराज, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। ये पति का तो रोड़ा है सारा है, यो कोने दे सकूं इसके बदले में, क्या चाहती है बोल। अच्छा, पति को? जी महाराज। एक काम कर। क्या? यो भी भैरू बाबा है, एक काम कर। क्या महाराज? वो गुलाब का फूल खिल रहा है, हाँ, तू जा और तोड़ के लाके मुझे दे दे, तब तक मैं तेरे पति को जिंदा कर दूंगा। नहीं महाराज, आप मेरे साथ में छल कर रहे हैं महाराज, ताकि मैं वो गुलाब का फूल तोड़ने के लिए जाऊं और इधर आप मेरे पति के प्राण निकाल लें महाराज। हे हे, बड़ी चालू है, तो समझ गई बेटी, सत्यवान के हर किच को न्याकार करूं। सिख पहली वचनी भरो भगवान में, आगे पैर सवाल करो। अच्छा
अच्छा तो ले, एक दो तीन। ठीक है महाराज। सबकी सती सावित्री, सबकी सती सावित्री, मैं भी तो तेरा ख्याल करूं। जावान वसता जति पति दिन मोच पता किसे ढाल करूं। जावान वसता जति पति दिन मोच पता किसे ढाल करूं। ए भले बुरे कर्मों का लखा, ए भले बुरे कर्मों का लखा, ईश्वर के घर छट जा। हे झूठा मौका जाल जगत में में तब्दील करता हूं। जी महाराज। और ले वचन दोबारा। पहला वचन ब्रह्मा जी, दूसरा वचन विष्णु जी, तीसरा वचन महेश जी। अब मांग ले वो जिससे मिट जा तेरे कलेश। तो सुनिए महाराज, क्या चाहिए मुझे आपसे? मांग लिए वरदान सावित्री, मांग लिए वरदान सावित्री, मांग लिए वरदान सावित्री, कर ले बेटी यकीन मेरा। दिखे राज मिले फिर राज मिले, और नैने को न तो वो ससुराल कर हीन मेरा। राज मिले वरदान सावित्री, वो ससुराल कर हीन मेरा। ये तेरा पहला वरदान। जी महाराज। तू चाहती है तेरे अंधे सास ससुर की आंखें खुल जाए? हाँ महाराज। और उनका राज चोंडा राय ने खोस लिया वो उल्टा मिल जाए? जी। जा बेटी दिया तथास्तु। ठीक है महाराज। ऐसा ही होगा सावित्री, ऐसा ही होगा सावित्री, देख लिए तुसीन मेरा। दिखे तो पुत्र हो तो बेटे हो मेरे पिता के। जी महाराज। जो तू कहेगी दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? इसको अगर तूने मांग लिया तो तू वचनहार हो जाएगी, इसको मत मांगना महाराज। हाँ रहन करो। मांग लिए वरदान सावित्री, कर ले बेटी यकीन मेरा। बिना पति के श्रीमान मन होगा कति मलिन मेरा। बिना पति के श्रीमान मन होगा कति मलिन मेरा। भाई जी उसी की होती है ये रे 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 सबके ऊपर डट जा। फिर उस मानसी ककी कर ली जो कहीं बात के सजनो। एक वरदान मांग लिया अपने सास ससुर की आंखें उनका राज। अब देखिए आगे वो क्या मांगती है। अगर पति को मांग लेती है तो वचन हार हो जाएगी, और पति को नहीं मांगती वो यमराज दे देगा। मेरी बात सुन ले। कहिए महाराज। सोच फिकर को छोड़ सकी, दिल की चिंता दूर करो। दिखे तो पुत्र हो तो बेटे हो मेरे पिता के, कमरा जो मंजूर करो। बेटे हो मेरे पिता के, कमरा जो मंजूर करो। मेरे पास टाइम कम है। तेरा दूसरा वरदान ये है, तू चाहती है कि तेरे
महाराज। जा बेटी, दो नहीं 100 भाई। अच्छा, दो की जगह 100 भाई तेरे हो जाएंगे। खुशी आज भर पूरी करो। खुद के एक पुत्र हो, एक बेटा हो, मेरी कूटी से तेजस्वी और शक्ति करो। दो बेटा हो मेरे तेजस्वी और शक्ति करो। तेरा धन्यवाद कि तूने अपने पति को नहीं मांगा। जी, मैं दोहरा दूं, कभी पाछे नुगा चीटिंग कर गया यमराज। जी महाराज, पहले वचन में तेरे सास ससुर का राज उनकी आंखें। जी, तथास्तु। ठीक है महाराज। दूसरे वचन में तेरे बाप के दो पुत्र नहीं 100 पुत्र दिए बेटी, तथास्तु। ठीक है महाराज। तीसरे वरदान में तेरा भी एक बेटा दिया बेटी, तथास्तु। ठीक है महाराज। वरदान सती देता हूँ, वरदान सती। अब काया का तेरा दुख हट जा। महाराज, अरे दिख कैसी होगा, क्या कैसे होगा रे पुत्र मेरा जब पति आए तब। मैंने पहले ही कहा था इस पिता को नहीं मांगी है यो। पति, अरे कदे पुत्र के कदे पिता के कदे पति का भंगर कर दिया मैं तो। सावित्री, जी छल मत कर। कैसा छल महाराज, हमने पहले ही कहा था इस पुत्र इस पति महाराज इतना अनुप्रास अलंकार मुझे तंग करता है। मैंने पति को कहां मांगा है महाराज, मैंने तो पुत्र मांगा है महाराज। तो दे तो दिया तेरे भी और तेरे बाप का भी। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए महाराज, जब आज आप मेरे पति के प्राण लेके चले जाएंगे तो आप ये बताइए कि मुझे पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी महाराज। सावित्री, मैं तन तो फंसा दिया। एक काम कर। क्या? इस वरदान ने रहने दे, तू 5-7 और ले ले वरदान। नहीं महाराज, आपने मुझे 3 वरदान दिए हैं, आप जल्दी से जल्दी पूरे कीजिए। मैं ये काम नहीं कर सकता। अगर आप नहीं कर सकते तो आप वहां पर चले जाइए। यू कैन गो। यमराज ने भगाने वाली भी हिंदुस्तान में मिली। सावित्री, जी, जी, मेरे नाम से प्रकृति के चराचर जीव कांपते। अच्छा, मेरे नाम की दहशत बहुत बड़ी है। ओ, क्या तुझे तनिक भय नहीं है मुझसे? नहीं है। मेरी तरफ देख। देवी, हाथ जुड़वा ले। यमराज ने आज तक हाथ नहीं जोड़े, सारी दुनिया जोड़े है। ये मर चुका, ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। नहीं महाराज, आपको 3 वरदान करने ही होंगे। कैसे करूं? अरे आपका नाम तो यमराज है। यमराज बना तो मुसी बना दे यमराज। अरे आप चाहेंगे तो आप क्या नहीं कर सकते, इसको जिंदा नहीं कर सकते। अरे सब कुछ आपके तो हाथ में है महाराज। मेरे हाथ में क्यों? मैंने मेरे तो परले भी तो बैठे है। प्रकृति के नियम, जिस प्रकार तुम मनुष्य लोग कपड़े बदलते हो, आत्मा शरीर बदलती है। इसकी आत्मा को निकाल के दूसरे शरीर में प्रविष्ट कराऊंगा, ये मेरा कर्तव्य है। नहीं कर सकता। नहीं महाराज, आपको करना ही पड़ेगा। हट जाओ, नहीं हटूंगी। सावित्री, क्या इन्हें बिना सावित्री तन वचन भरा के, सावित्री वचन भरा के मैं चक्कर बीच फसाया। दिख नौनी थी, हिर नौनी थी और बारासी थी, आधी नाप की आया। सब कुछ कर सकती है भक्ति भगवान भजन में पाया। सब कुछ कर सकती है भगवान भजन में पाया। लाख रुपए का बोल है, भगवान कहाँ है? भजन में है, भाव में है। सावित्री, मैं खुश हूँ तेरे से। अगर तू अपने पति को जिंदा कराना चाहती है, जी, एक परीक्षा पास करनी होगी। कैसी परीक्षा महाराज?
मेरी उम्र आज से 100 बरस और है। अच्छा, 100 साल और जीवेगी। अगर तू अपनी आधी जिंदगी यानी के 50 साल अपने पति को दे दे, 50 साल तू जी लेना, 50 साल तेरा पति जिएगा, 7 साल जियोगे, 7 साल मरोगे। लेकिन बेटी क्यों खराब करे इसके चक्कर में 50 साल? 100 साल घना हुआ, घने मिलेंगे इस वर्गे, सोच ले। 50 साल आधी जिंदगी का दान संकल्प दे तो जिंदा हो सकता है। बोल महाराज। छोड़ छोड़। आप मेरी आधी जिंदगी क्या? अगर आप महाराज मेरे पूरे 100 साल भी मांगेंगे जब भी मैं अपने पति को दे दूंगी। हाय हाय, ताली बजानी पड़ेगी। ले तू ला दे आधी जिंदगी दे। लीजिए महाराज। या तेरी आधी जिंदगी दी तेरे पति को। चल बड़ा खड़ा हो जा। अरे मान सिंह ने समझाया। फिर कहेंगे राम सिंह जी दोबारा। मान सिंह ने मन समझाया, ज्ञान हरी हर पार। कह रसना